ये क्यूटी सी मेरी मम्मा है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मेरी मम्मा। तो लगभग आधा काम मेरा सफाई हो चुकी है, सिर्फ मुझे कपड़े धोने, बर्तन करने और रोटी बनानी है अभी, और ये सारा कपड़ा बाहर जाकर जला के आना है जितना भी है। तो ये देखिए अब अच्छा लग रहा खाली होने के बाद। दो तीन दिन तबीयत खराब होने की वजह से मैं ठीक से काम नहीं कर पाई थी, बस ये चादर बिछानी है, बिस्तर से करना है और फिर उसके बाद देखते हैं। खाना भी खाना, भूख लग रही है, खाली पेट सुबह से लगी हुई हूँ मैं, कुछ भी नहीं खाया मैंने सुबह से। तो चलिए सफाई वफाई कर लेते फटाफट। तो गाइस आज तो हालत ख़राब हो गई सुबह से, बिना कुछ खाए पिए बिना नहाए धोए मैं काम पे लगी हुई हूँ। तो ये देखिए मेरी चादरें साड़ी वाड़ी धुल गई, बर्तन भी धुल गए, और जो कचरा था उसको बाहर जाके मैं जला के आ गई हूँ। अब सिर्फ काम रहता है मेरे रोटी बनाने का और खाने का और नहाने का। तो पहले रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद नहा के फिर खाऊंगी, फिर करूँगी आराम, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई मैं आज सुबह से, कुछ नहीं खा रखा और बिना खाए पिए लगी हुई हूँ। तो फाइनली अब मैं नहा चुकी हूँ और अब देखिए धूप भी निकल गई है, वरना सुबह से तो मौसम बड़ा ख़राब हो रहा था और इधर हमारा नमस हो गया है। तो चलिए इतने ही सो रहा है, इतने हम खा लेते हैं खाना। सो गाइस मेरा खाना रेडी है, तो आप लोग जिसको भी आना है फटाफट से आ जाइए खाना खाने के लिए, और इसलिए मुझे धीरे बोलना पड़ रहा है। तो चलिए अब लगा देते हैं बाबा जी के पर्दा, क्योंकि बज चुके हैं 12, तो 12 बजे तक हम पर्दा लगा देते हैं और हम कर लेते हैं पेट पूजा। तो गाइस ये देखिए इसने क्या करा अभी अपने मुंह का हाल, इधर देखो इधर, अरे वाह रे कान्हा जी, इसने पूरी छांच गिरा ली, लेटे लेटे भाई साहब छांच पेरे थे, ये ले देखिए इसके मुंह का हाल। अब इसकी पिट्टी कौन करेगा, देखिए क्या हालत कर ली इस लड़के ने अपने मुंह की। तो चलिए इसके कपड़े चेंज कर देते हैं, मुंह धुला के लाते हैं, गंदा बच्चा। सो गाइस आप लोगों में से कौन कौन एक्साइटेड है पटाफट हाथ खड़े कर दो, जहां जहां बैठे हो आप लोग, कहीं पर भी बैठे हो, चाहे कैंटीन में बैठे हो, घर में बैठे हो, या वॉशरूम में बैठे हो, या कहीं बाहर बैठे हो, फ्रेंड के साथ बैठे हो, गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो, बीवी के साथ बैठे हो, हस्बैंड के साथ बैठे हो, फटाफट से हाथ खड़े कर दो कि किसको मेरे बचपन की फोटो देखनी है। इतने सारे लोगों को देखनी है क्या, वाह यार मजा आ गया। अब आप लोग सोच रहे हो मैंने देखा कैसे, मैंने देखा नहीं, बट आप लोगों का प्यार बता सकते हैं कि आप लोग मेरी बचपन की फोटो देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो। सो मैं आपको, आप लोगों के साथ अब शेयर करने वाली हूँ मेरी बचपन की फोटो। वो सिंगल फोटो नहीं है, मेरी फैमिली फोटो है, मतलब मम्मा भी है, पापा भी है, मेरे दोनों भाई भी है उसके अंदर। तो आपको मैं दिखाऊंगी मेरी बचपन वाली फोटो, तो कमेंट करके बताना सच्ची सच्ची झूठे नहीं कि मैं कैसे लग रही हूँ, क्यूट लग रही हूँ, गंदी लग रही, प्यारी लग रही है, या फिर गंदी भद्दी वाली, जो भी आपको लगता है वो आप लोग कमेंट करना। तो चलिए मैं निकालती हूँ मेरी बचपन वाली फोटो और आपको दिखाते हैं मेरी बचपन की फोटो। कौन 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 एक्साइटेड है, आई नो आप सभी एक्साइटेड हो बहुत ज़्यादा। तो गाइज अगर आप लोगों के पास ही बचपन की फोटो हो ना आप लोगों की, तो इंस्टाग्राम पे मुझे शेयर करना, जो जो शेयर करेगा ना मेरे को अपनी फोटो इंस्टाग्राम पे, मैं उसको मेंशन करूँगी अपनी स्टोरी पे। तो अगर आपके पास बचपन की फोटोज हो तो उसको ज़रूर शेयर करना, ताकि मैं उसको मेंशन कर सकूँ। बस एक बार ही जब फोटो मुझे आप मैसेज करो, मुझे कमेंट भी कर देना कि हाँ आप लोगों ने मैसेज करी है। तो चलिए दिखाते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपको मेरी बचपन की फोटो। एक्साइटेड जल्दी से, ओके। तो पहले इसको हम पानी पिला देते हैं, बिकॉज ये लड़का पानी के लिए बहुत ज़्यादा रो रहा है मम्मम, तो इसको पहले मम्मम दे देते हैं, ये मम्मम। तो गाइज आप लोगों को झलक दिखी, झलक दिखी, तो चलिए दिखाते हैं मेरी फोटो। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगी ये मेरे चाचू हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, इनकी डेथ हो गई है। एंड ये मेरी चाची है, ये वाला जो है लड़का आपको दिख रहा होगा बंदर की शक्ल का थोड़ी सी यार, क्लियर है। अब दिखा, ये मेरा भाई है बड़े वाला, मेरे सबसे बड़े वाला भैया है ये, और ये कौन है, ये मेरा छोटे वाला भाई अमन डिग्री में, और ये प्यारी सी कौन है, प्यारी क्यूटी सी, ये क्यूटी सी मेरी मम्मा है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मेरी मम्मा। पहले आप लोग मेरे को देख लीजिए,
क्योंकि बहुत ज्यादा से कैमरा हिल रहा है। ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मा और ये हूँ मैं गाइस। ये देखिए, ये रही मैं। तो आप लोगों को कैसी लगी मैं? ये देखिए मम्मा, बिल्कुल मैं मेरी मम्मा की तरह लग रही हूँ ना मम्मा। तो गाइस आप लोगों ने मेरे बचपन की फोटो देख ली। ये क्यूटी पाई सी लड़की, ये मैं ही हूँ। ये देखिए, ये क्यूट सी लड़की जो इसमें दिख रही है, ये मैं हूँ। ये देखिए कितना फर्क आ गया ना गाइस। तो मैं कैसी लगी आप लोगों को प्लीज कमेंट जरूर करना कि मैं आप लोगों को कितनी प्यारी लग रही हूँ। आई नो प्यारी तो मैं हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्यारी हूँ, तभी आप लोग मुझे प्यार करते हो। और गाइस प्लीज हो सके तो इस बचपन वाली आस्था को भी खूब सारा प्यार देना। ये बचपन वाली आस्था भी आप लोगों से प्यार करना चाहती है। और ये मेरी मम्मा, मिस यू मम्मा। और ये मेरे पापा, देखिए मेरी मम्मा कितनी प्यारी लग रही है। ये फोटो जो है करवा चौथ की है, मम्मी का व्रत था तब हम लोग गए थे फोटो क्लिक करवाने के लिए फोटो स्टूडियो में। तो गाइस अगर फोटो अच्छी लगी हो तो ढेर सारे कमेंट कर देना प्यारे प्यारे। और यार आप लोग वीडियो देखते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, ये गलत बात है। वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, एटलीस्ट इतनी बुरी भी नहीं बनाती यार मैं, क्या लाइक नहीं करती। कम से कम एक लाइक तो दे दिया करो यार मेरी वीडियो पे। आप लोगों के लाइक से पता मोटिवेशन होती है, मेरा मोटी नहीं होती है, मोटिवेट होती हूँ। तो गाइस मैं वेट करूंगी आप लोगों की लाइक का, कमेंट्स का और वीडियो शेयर का। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आप लोगों के पास आपकी फोटोज हैं तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पे डाल देना। और जो जो डालेगा वो कमेंट भी करना कि हाँ आपने मुझे आपकी फोटो दे दी, ताकि मैं जाके आपकी फोटोज को अपनी स्टोरी मेंशन कर सकूं और सबको दिखा सकूं कि आप बचपन में कैसे लगते थे। फोटोज गाइस और भी है मेरे पास, बचपन की मेरी छोटी सी, मैंने दो चोटियां बना रखी है क्यूट सी ब्लू ड्रेस में। वो हमारी शिमला की फोटो है, शिमला में मेरी बड़ी ताई जी रहती है, मेरी बड़ी मम्मा रहती है। तो वहाँ हम लोग घूमने गए थे बचपन में, तो वहाँ की फोटोज भी, बट वो मेरी डायरी पता नहीं कहाँ चले गई, मैं यहाँ पे लेके आई थी, मिल नहीं रही है। जब मिलेगी मैं आपको वो भी शेयर करूंगी मेरी फोटो, वो ही बहुत क्यूट है मेरी फोटो। क्यूट था मैं हूँ छोटी सी, मेरे पता है मैं बहुत क्यूट हूँ। आपको मैं क्यूट लगती हूँ ना गाइस? लगती हूँ ना, क्योंकि मैं क्यूट हूँ ना। मम्मा क्यूट है ना, मम्मा क्यूट है ना। तो पागल हो गया लड़का। तो ठीक है गाइस, यही थी मेरी बचपन की फोटो जो मैंने आपको शेयर कर दी। तो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और खूब सारा प्यार देना। और अभी मैंने बना ली है अकेले बैठ के रील्स, क्योंकि निक को टाइम नहीं मिला, सुबह जल्दी चले गए, वो रात को लेट आते हैं। तो मैंने अकेले ही रील्स खींच डाली और रील्स बना डाली। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी इंस्टाग्राम पे तो उसको भी लाइक कर देना, उसमें भी कमेंट करना और शेयर करना। आज हमने वीडियो डाली थी निक और मैंने साथ में, तो काफ़ी अच्छी गई थी वीडियो वाली, मतलब अभी तक कम से कम 2000 व्यूज चले गए उस पर। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के कि हाँ फास्ट निकली है, क्योंकि निक को शर्म आती है वीडियो बनाने में। तो आप लोग प्लीज कमेंट करिए, उनकी बुद्धि में डालिए कि आज तक दीखे यार वीडियो बनाया करो, वो गंदे से बनाते थे शर्म के मारे। तो चलिए गाइस बाबू रो रहा है, पर इसको देख लेते हैं फिर आपसे करेंगे। मुझे अभी लग गई हल्की फुल्की भूख, तो नमें और मैं खा रहे हैं मैंगो, आम खाएंगे हम, आधा खाएंगे बाकी रख के बनाएंगे रात को उसका जूस। सिर्फ इसका नहीं और भी रखे हैं उसका, थोड़ा सा आम खा लेते हैं। नमें आम खाएगा, आम आम खाएगा जूस जूस शाम को, अभी आम खाते हैं आम आम। तो ये आम का बोलता है आम और जूस, चलिए खा लेते फटाफट। तो गाइस अभी हम लोग काट रहे हैं मैंगो नमे के लिए, मेरे लिए, तो आप लोग भी खा सकते हो मैंगो। और अब नमे को नमे खाएगा इसे। तो ये तो खा रहा है, तो मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा सा, लेकिन मैं इसके साथ में छिलका भी खाऊंगी, छिलका तो पका हुआ है और मीठा लगेगा। तो नमे को पसंद नहीं आया, नमे को छिल के देंगे, ऐसे नहीं खा रहा है। सो वेरी गुड इवनिंग गाइस, अभी हो गई है शाम और शाम के बज रहे हैं अभी 6, और मेरा आज बहुत मन था राजमा चावल खाने का। मैं गई मार्केट लेकिन राजमा नहीं मिले, कहीं पर भी नहीं मिले, तो इसलिए मैं आज बनाऊंगी आलू की सब्जी झोल वाली और चावल, क्योंकि मेरी इच्छा कर रही है खाने की दाल चावल, आई मीन
रात में चावल जो कि नहीं ले पाई मैं। और ये आदि आया हुआ है, लेकिन वो कहाँ जाकर छुप गया भगवान जाने। ढूंढते आदि को। कहाँ छुप रहे हो? ओह माय गॉड, आदि तो गायब ही हो गया। अरे चेरा तो इतने गाइस आलू उबल रहे हैं, मैं इतने बिछा लेती हूँ चादर। तो बेड शीट पे हम बिछाएंगे ये चादर, और ये बिछ गई हमारी चादर। अब बारी है इस वाले कमरे की, तो चलिए यहाँ पर भी चादर बिछा देते हैं फटाफट से। चादर लेके आनी पड़ेगी मेरे को पहले अंदर को। बहुत सारे काम है मेरी जिंदगी में, मुझे करने पड़ते हैं। उधर हम बिछाएंगे ये वाली चादर, तो चलिए यहाँ पर भी बिछा देते हैं चादर। ये चादर और ये मेरी चादर बिछ गई इसके ऊपर की, और देखिए इतनी बिगाड़ भी दी चढ़ के। ये लड़का तो मैं चादर बिछते लेट जाता है। चप्पलें नीचे, गंदी बात, बैड मैनर्स ना। आपको मैंने क्या बता रखा है, चप्पल नीचे ला रखा, गंदी बात होती है। चलो तो चलिए चादर बिछ गई, अब हम लग जाते हैं अपने खाने में। तो मेरे आलू बॉइल हो, और ये हमारे मामा जी आए थे, वो लाए थे नमक लेके लिए, तो इनको निकालते थे टोकरी में। देखिए किया बोला किया। और हमारे किसी के शादी का इनविटेशन कार्ड भी आया गाइस, ये देखिए। तो झीमड़ा होगा हमारा, तो झीमड़े जाएंगे 23 तारीख को। तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन शादी के लिए रेखा जी, और हमारे जो मामा जी हैं उनकी बेटी के बेटा भी हुआ है, तो उनको भी काफ़ी काफ़ी खूब सारी बधाई हो। और गाइज मैं ऐसे ही बताऊँ, मुझे ना ये बोलते हैं निक्की कि तू मतलब अच्छी बन के रहकर ब्लॉग अच्छी तरह बना, पर गर्मी इतनी पड़ रही है गाइज, मैं क्या करूँ, मैं बाल नहीं खोल पाती। और आप में से काफ़ी लोग ना मुझे कमेंट करते हो कि आप गले में कुछ नहीं पहनते, तो मैं पहनती हूँ, लेकिन मेरे ना एलर्जी है गाइज, अगर मैं गर्मी में पहनती हूँ ना तो मेरे यहाँ पे रैशेज हो जाते हैं, इस वजह से मैं उसको उतार के रखती हूँ, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं मेरे पैर में भी, देखिए बिछू हुए नहीं है, क्योंकि मुझे एलर्जी हो जाती है इन चीज़ों से, पता नहीं क्यों मेरी स्किन कैसी है। अगर मैं आर्टिफिशियल कोई चीज़ पहनूँ तो मेरे मतलब इन्फेक्शन हो जाता है। और आप कहते हैं बिंदी, तो बिंदी का तो ऐसा है गाइस, गर्मी है मतलब पसीना आते हैं, ऐसे हाथ फेर तो निकल जाती है, और आधी बार तो ये नम है, ये रहने नहीं देता, ये निकाल देता मेरी बिंदी को। तो गाइस ऐसा नहीं, ये देखिए आपको दिखा देती हूँ सबूत में, ये मैंने पहन रखा था, बस मैंने अभी उतारा है इसको, क्योंकि मेरे गले में चुभने लग गया था, इसलिए इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी यार मैं। आप लोगों को प्रॉब्लम बता दी मैंने, आई होप समझोगे आप लोग मेरी परेशानी को। तो गाइस ये बन गया है मेरा मसाला, ग्रेवी रेडी कर ली मैं आलू की सब्जी के लिए, और चावल मेरे ऑलरेडी बन चुके हैं, और मैंने अभी ये भी बनाया है साथ में मैंगो का जूस। सो आज की वीडियो होती है यहीं पे एंड। अगर आपको मेरे बच्चों की फोटो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि टू ऑल ऑफ यू।